अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेवेंथ चैप्टर, इट्स ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द लर्निंग आउटकम्स। बाय द एंड ऑफ द यूनिट स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द ब्लू मस्जिद, इस्तांबुल, टर्की, अप्रिशिएट द मुस्लिम आर्किटेक्चर, utilize the dictionary skills, the Sara skills, or recognize varying position of adverb in sentences, illustrate the use of personal perfect continuous tense, know about the essentials of descriptive writing। okay, end of the unit हमें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या चीज़ है, ब्लू मस्जिद इस्तांबुल, ये एक नीली मस्जिद कहा जाता है इसको इस्तांबुल की, ठीक है। इसके हवाले से ये चैप्टर है जिसमें हमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ये मस्जिद कैसी है और इसके साथ और ये किस तरह की बनी हुई है, और इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसके फ़नी तामीर का एक अजीम नमूना है ये मस्जिद, तो उसके हवाले से भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब प्री रीडिंग देख लेते हैं इसकी। नेम सम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं बादशाही मस्जिद, और जो कि मुगलिया सल्तनत की, मुगलिया दौर हुकूमत की जो एक अजीम निशानी है ये, कौन सी है, बादशाही मस्जिद। उसके अलावा शालामार बाग भी मौजूद है, और शालीमार गार्डन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और कौन सी तारीखी इमारत हैं, शाही किला आ जाता है और जो पाकिस्तान में मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ और भी हैं कुछ जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। स्पेसिफिकली मैं हिस्टोरिकल, क्योंकि ये एक मस्जिद जो है वो एक दौर हुकूमत से इसका ताल्लुक़ है, इस वजह से मैंने इसको रिलेट किया। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास भी बादशाही मस्जिद आ जाती है इस कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा अगर हम लोग फैसल मस्जिद को इंक्लूड करेंगे तो वो भी एक हिस्टोरिकल हमारे पास मॉस्क है, लेकिन उसको हम लोग उस तरह से नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि वो मुगलिया दौर की बिल्कुल बनी हुई नहीं है, वो बाद में बनाई गई है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देन टेल द नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मस्जिद्स इन पाकिस्तान। ये नेम्स मैंने दो इम्पॉर्टेंट तो ली है, इसके अलावा और भी बहुत सारी मस्जिद मौजूद हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्की। टर्की के हवाले से आप क्या जानते हैं। टर्की अब जो लोग अब फॉरेंसिक टर्की आते ही आजकल जो एक इंतहाई फेमस सीरीज़ हमारे माइंड में चल रही है अर्तुगरुल गाज़ी, उसका नेम आ जाता है और उसके हवाले से ही टर्की कैसा होगा वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमारे माइंड में। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करूँगी मज़ीद। टर्की जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, जो कि आधा एशिया और आधा यूरोप में मौजूद है। अब आधा एशिया यूरोप क्या है, ये सब ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, एशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हाफ़ ये टर्की जो है वो एशिया में है और हाफ़ यूरोप के अंदर है, ठीक है जी। तो इसका जो कल्चर और जो बाकी चीज़ें हैं इसी वजह से वो यूरोप से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। और दूसरी बात ये कि दिस वाज प्योरली इस्लामिक, लेकिन एक जो यहाँ पे रेवोल्यूशन आया है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद, उनके रूल के बाद, और जिस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशन वो इनकी कंट्री में लेकर आए हैं, उसके बाद इनका जो वे ऑफ लाइफ है और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गया और वो सब कुछ यूरोपियन टाइप हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें हम जानते हैं टर्की के हवाले से। वैसे एक इस्लामिक मुल्क है और ये एक इस्लामिक मुल्क है और इसके अंदर जो प्रीवियसली कंसेप्ट जो हैं वो फॉलो किए जाते थे वो इस्लामिक थे, लेकिन अब राइट नाउ यहाँ पे एज सच जो है वो उस तरह से इस्लाम को फॉलो नहीं किया जा रहा। ना यहाँ पे मस्जिद मौजूद थी, मसाजिद तो मौजूद थी ऑब्वियसली, जो सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर की एक निशानी है जब वो हुकूमत थी, तो किस तरह से इस्लाम को फॉलो किया जाता था तो उसके लिए मसाजिद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहा जाता है कि दुनिया सबसे ज़्यादा मसाजिद जो है वो टर्की में मौजूद हैं, तो जो कि बाद में जिन पे बैन लग गया और वो ख़त्म हो गई, जस्ट ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन वो एक म्यूज़ियम का रूप इख्तियार कर गई कि वो सिर्फ म्यूज़ियम की तरह ही मौजूद हैं, ठीक है जी।
तो ये टर्की का एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अभी आप लोग देख सकते हो ये पिक्चर है हमारी, कौन सी मस्जिद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सुल्तान अहमद मॉस्क जो है उसके वजह से पढ़ने जा रहे हैं, जिसको नीली मस्जिद कहा जाता है, ये उसकी एक पिक्चर है। ओके लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया में एक सबसे मुतासर करने वाली एक यादगार है दुनिया में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क, ब्लू मस्जिद, इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। इसकी नीली टाइलों की वजह से या नीली ईंटों की वजह से जो इसके अंदरून को सजाती हैं, एम्बेलिश सजाना। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में मौजूद है। इस्तांबुल क्या है, इस्तांबुल टर्की का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, जैसे हम लोग का कराची है, पाकिस्तान का कराची है, इस तरह इस्तांबुल जो है वो टर्की का सबसे बड़ा शहर है। ये इसका कैपिटल सिटी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसको कैपिटल सिटी समझते हैं। इस्तांबुल टर्की का कैपिटल सिटी नहीं है, टर्की का कैपिटल सिटी अंकारा है, ठीक है जी। इस्तांबुल जो है वो इसका बिगेस्ट सिटी है, लाइक कराची पाकिस्तान के लिए लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। टर्की में सबसे बड़ा शहर है टर्की का, एंड कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ये ऑटोमन एम्पायर जो सल्तनत उस्मानिया थी उसका दारुल खिलाफा था, ये अब मौजूदा तुर्की जो है उसका दारुल खिलाफा नहीं है इस्तांबुल, ये सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा हुआ करता था जब ये हुकूमत मौजूद थी, फ्रॉम 1452 to 1927। अब ये 1452 में जिस जब ये अजीम उस्मान जिनका नाम था, उन्होंने उनके नाम से जब ये सल्तनत शुरू हुई तो वो 1453 से शुरू हुई थी और 1923 तक जारी रही थी, जिसको ख़त्म किया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, ठीक है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सबसे ज़्यादा एक पुरकशिश बन चुकी है, किन के लिए, सयाहों के लिए, ठीक है, ये सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश मकाम बन चुका है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 to 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन। अब अहमद वन कौन है, ही वॉज अ किंग ऑफ दैट प्लेस, ठीक है, उस वक्त का किंग था। तो इनके दौर में 1609 से 1616 के दरमियान में ये मस्जिद तामीर की गई। एज वॉज द कस्टम, जैसे कि रिवाज था, दिस मस्जिद लाइक द अदर मस्जिद ऑफ टाइम, उस वक्त दूसरी मसाजिद की तरह, उस वक्त उस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह कंप्राइजेस टॉम ऑफ द फाउंडर, इसके अंदर मौजूद था क्या चीज़, टॉम ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले का मकबरा, एंड मदरसा एंड अ हॉस्पाइस, एक मदरसा और हॉस्पाइस। हॉस्पाइस क्या होता है, मुसाफिर खाना, ठीक है। उस दौर की दीगर मसाजिद की तरह इस मस्जिद के अंदर भी बनाने वाले का मकबरा, मदरसा और मुसाफिर खाना मौजूद है। The construction of the masjid started in 1609. इस मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। The royal architecture Sidfihr Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. इस काम की तामीर का जो इंचार्ज या फिर इस काम की काम का निगरान एक रॉयल एक शाही मामार सिदफहर मेहमद आगा को मुंतखब किया गया। The opening ceremony was held in 1616. इफ्तिताही तकरीब 1616 में की गई। Unfortunately, बदकिस्मती से the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. सुल्तान अपनी ज़िंदगी में इसकी इसका इख्तिताम, इसका बनना या इसका मुकम्मल होना नहीं देख सके। It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा वन। ये उनके बाद उनके आने वाले मुस्तफ़ा वन जो बादशाह थे उनके दौर में ये तामीर हुई, ठीक है। अब ये वन क्या है, जो पहले मुस्तफ़ा होंगे उसके बाद उनके दौर में ये कम्प्लीट हुई। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बेजेंटाइन चर्च। अच्छा जी, पहले यहाँ पे बेजेंटीनी हुकूमत थी, तो बेजेंटीनियों की हुकूमत थी, तो इसका जो आर्किटेक्चर है जिस तरह से ये बनी है, फ़न तामीर जो है इसका, वो ऑटोमन एम्पायर्स की हुकूमत की तरह का भी है, जिस तरह उस्मानियों ने तामीर किया था उनका तर्ज तामीर भी है और बाज़ंतीनियों का भी है, ठीक है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर, इसका फ़न तामीर दोनों उस्मानिया और बाज़ंतीनी चर्च की तरह का है, उस्मानी मस्जिद और बाज़ंतीनी चर्च की तरह का है,
हाजिया सूफिया, जिसको हम आया सूफिया भी कहा जाता है, अ मस्जिद, ये भी एक मस्जिद है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुसलमानों के फन तामीर की एक हैरान कुन शक्ल है, वो ऑल्सो कैप्ट इन व्यू एज मॉडल, इसको हम एक मिसाल भी ले सकते हैं, ठीक है। आया सूफिया जो कि मुसलमान फन तामीर की एक हैरान कुन शक्ल है, उसको भी हम इसके लिए एक मिसाल ले सकते हैं, ठीक है। वो ये हमें यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है आया सूफिया को अगर हम कंसेप्ट में लें कि वो किस तरह से बनी हुई है, तो हमें एक कंसेप्ट व्यू मिल सकता है कि मुसलमानों का फन तामीर किस किस्म का था। तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से यही सुल्तान अहमद मौसवी, ये भी मुसलमानों के फन तामीर की एक मिसाल है। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसीडर्ड टू बी द अनमैच्ड इन स्प्लेंडर मैजेस्टी एंड साइज, आज भी नीली मस्जिद जो है वो समझी जाती है अनमैच्ड, बेमिसाल इन स्प्लेंडर क्या होता है, अपनी ताबनाकी में एक बेमिसाल बेमिसाल समझी जाती है, मैजेस्टी क्या होता है, जाहो जलाल एंड साइज और जिसामत में, आज भी अपनी ताबनाकी जाहो जलाल और जिसामत में ये सबसे ये बेमिसाल समझी जाती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ सॉरी ये हमने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर्ट या फोर्ट कोर्ट, फोर कोर्ट सराउंडेड बाय कंटीन्यूअस वॉल्टेड आर्केड, नीले मस्जिद स्पेशियस रखती है खुले मैदान सराउंडेड बाय कंटीन्यूअस चौके हैं जो कि घिरे हुए हैं मुसलसल वोल्टेड आर्केड, आर्केड क्या होता है मीनार, ठीक है, मुसलसल फैले हुए मीनार के साथ, ठीक है जी, मुसलसल फैले हुए मीनारों से घिरी हुई है इसके मैदान, नीली मस्जिद रखती है खुले मैदान जो कि घिरे हुए हैं मुसलसल फैले हुए मीनारों से। इट हैज़ अब्लूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ ऑफ द साइड, दोनों अतराफ में वजू करने की सहूलियात मौजूद हैं, इन द सेंटर दरमियान में देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा मौजूद है विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, जो कि क्या कहते हैं इसको मैदान के जो मस्जिद का सहन है उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा है, ठीक है। अ हैवी आयरन चेन इज़ हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट कोर्ट एंट्रेंस, अब क्या है एक बड़ी सारी आयरन लोहे की एक चेन जो है लोहे की जंजीर बांधी गई है ऊपर सहन के शहर के दाखिले के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है जी, द वेस्ट साइड मगरबी तरफ में। दिस साइड वॉज मेन फॉर द सुल्तान अलोन, ये साइड जो है ये रास्ता जो है ये सिर्फ सुल्तान के लिए बनाया गया था। द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, मस्जिद के इस दरवाजे पर क्या बनाया गया है चेन लगाई गई है या फिर जंजीर लटकाई गई है यहाँ पे सिर्फ सुल्तान के लिए, ताकि सुल्तान जब भी दरवाजे से दाखिल हो तो उसको अपना सर झुकाना पड़े। इट वॉज द सिम्बोलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिडिटी ऑफ ह्यूमिलिटीज ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, ये क्या है ये एक अलामती निशानी होगी, एक ये अलामती निशानी होगी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सुल्तान या फिर रूलर या फिर हुक्मरान जो है वो झुका हुआ है फेस ऑफ डिवाइन पावर, इल्हामी ताकत के आगे वो झुका हुआ है, ये एक अलामती निशानी होगी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हुक्मरान इलाही इसको हम क्या कहेंगे इल्हामी ताकत के आगे झुका हुआ है। अब इल्हामी ताकत कौन सी है, अल्लाह ताला की ताकत जो है उसके आगे झुका हुआ है, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है तो अल्लाह ताला के घर में दाखिल होते हुए सुल्तान जो है वो अपना सर झुका के एंटर होगा, ठीक है जी। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइन विद more than 2,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip design. The interior of the masjid ka andruni hissa at the lower level nichli side se bana hua hai 20,000 haath se bani hui
सिरामिक टाइल्स भी सर हाथ से बनी हुई टाइलों से, ईंटों से, जो कि इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, जो कि 50 मुख्तलिफ ट्यूलिप, या फिर ट्यूलिप हम क्या कहते हैं, ट्यूलिप को हम कहते हैं गुले लाला, गुले लाला के के नक्शों से, ठीक है, जो कि बनी हुई हैं 50 दुनिया के मुख्तलिफ 50 गुले लाला के डिज़ाइन से, या गुले लाला के हम कह सकते हैं इसको नक्शों से, ठीक है जी। एट द गैलरी लेवल, गैलरी के सतह पर द डिज़ाइन बिकम फ्लैम्बोयंट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड साइप्रसेस, ठीक है। अब क्या है, एट द लोअर लेवल गैलरी की सतह पे ये जो है नमूने वो बन जाते हैं मज़ीद जाज़िब नज़र किस चीज़ से, फ्लावर्स फूल फल और सनोबर की मौजूदगी की वजह से, ठीक है। अब मौजूदगी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बने हुए होने की वजह से, ठीक है। गैलरी की सतह पे ये डिज़ाइन या ये नमूने और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं फूलों फलों और सनोबर की मौजूदगी की वजह से, या सनोबर की निशानदेही की वजह से, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे डिज़ाइन जो हैं वो गैलरी की सतह पे आके यही वाले जो ट्यूलिप के डिज़ाइंस हैं, जो टाइल्स के डिज़ाइंस हैं, इसके ऊपर फ्रूट्स बने हुए हैं और फ्लावर्स बने हुए हैं, साइप्रसेस सनोबर के जो फूल बने हुए हैं ये मौजूद हैं, ये मज़ीद फैल जाते हैं और इनकी मज़ीद को खूबसूरती को मज़ीद जाज़िब नज़र हो जाते हैं, मज़ीद हसीन बना देते हैं इसकी खूबसूरती को, ठीक है जी। आगे चलते हैं, द अपर लेवल ऑफ इंटीरियर इज़ अडॉर्न्ड विद अ ब्लू पेंट, ऊपर वाला हिस्सा इसका अंदरून का ऊपर वाला हिस्सा अडॉर्न्ड सजाया गया है विद द ब्लू पेंट, नीले पेंट से, ठीक है, नीले रंग से सजाया गया है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, 200 से ज़्यादा रंगी हुई जो हैं खिड़कियाँ, रंगी हुई खिड़कियाँ विद इंट्रिकेट डिज़ाइन, मुख्तलिफ किस्म के नमूनों के साथ या डिज़ाइंस के साथ, अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप, अलाउ करती हैं, आने देती हैं कुदरती रोशनी को रोशन करने के लिए इट्स इंटीरियर, इसका अंदरून हिस्सा, एंड कैंडीलियर फर्दर इल्यूमिनेटेड विद देयर ग्लो, और कैंडेलियर्स, कैंडेलियर्स क्या होता है, जो झूमर लटके हुए होते हैं, ठीक है जी, और फानूस, ठीक है, एंड द कैंडेलियर्स फर्दर इल्यूमिनेटेड, और फानूस मज़ीद जगमगा देते हैं इसकी रोशनी को, ठीक है, मज़ीद बढ़ा देते हैं इसकी रोशनी को, ये इसको हम किस तरह कहते हैं, मज़ीद जगमगा देते हैं इसके अंदरून को, इसकी रोशनी को मज़ीद जगमगा देते हैं, ठीक है। 200 से ज़्यादा रंगी हुई खिड़कियाँ मुख्तलिफ डिज़ाइंस की या मुख्तलिफ नमूनों की कुदरती रोशनी को अपने अंदर आने देती हैं और मज़ीद सजा देते हैं फानूस, मज़ीद रोशनी को मज़ीद बढ़ा देते हैं या इल्यूमिनेट कर देते हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड आयत, इसकी डेकोरेशन में, इसकी सजावट में शामिल हैं आयत और फ्रॉम होली कुरान, कुरान मजीद से आयत भी लिखी गई हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद द कारपेट, फर्श जो है वो कालीन से सजा हुआ है, ढका हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ मेहराब, सबसे अहम चीज़ इस मस्जिद के अंदरून में मेहराब है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो कि बनाया गया है फाइनली कार्व्ड नफासत से गुदे हुए, हमारा जो कार्व्ड में आता है वो गुदा हुआ होना होता है किसी चीज़ के ऊपर, डिज़ाइनिंग की भी जो पुराने दौर में की जाती थी हाथ से की जाती थी, तो हाथ से गुंदे हुए संगे मरमर पे एक सब, अब इसमें इसको इस पूरे को इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि इसका अंदरून हिस्सा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम अंसर इसके अंदरून मस्जिद के अंदरून हिस्से में मेहराब है, जो कि हाथ से बने हुए संगे मरमर से बना हुआ है, या फिर हाथ से गुदे हुए संगे मरमर से बना हुआ है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के सीधी तरफ, इस हाँ जी सीधी तरफ, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, एक बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ पल्पिट मिंबर है।
द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद इस तरह से सजाई गई है या बनाई गई है, दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, के जब ये सबसे ज़्यादा भरी हुई हो, एवरीवन इन द मस्जिद, हर कोई मस्जिद में मौजूद हर कोई कैन लिसन टू, सुन सके एंड लुक एट द इमाम, इमाम को देख भी सके और इमाम को सुन भी सके, ठीक है जी। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट मगरिब, साउथ सॉरी शुमाल, शुमाली होगा नहीं जनूबी, सॉरी जनूब मशरक के एक हिस्से पर शाही कमरा जो है वो बनाया गया है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, इसका अपना मेंबर है, दैट यूज़ टू बी डेकोरेटेड, जो कि सजाया गया है विद द जेड एंड रोज़ेस, जेड और रोज़ेस, जेड कौन से हैं, एक कीमती पत्थर है जेड और जो है रोज़ेस फूलों से। द ब्लू मस्जिद हैज़ सिक्स मीनारेट्स, नीली मस्जिद के छः मीनार हैं, फोर मीनारेट्स स्टैंड वन ईच एट द फोर कॉर्नर, हर चारों अतराफ में एक एक मीनार जो है वो मौजूद है, इसके चार अतराफ में चार मीनार मौजूद हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मीनारेट्स हैज़ थ्री बालकनीज, ये सारे पेंसिल शेप के, जिस तरह की पेंसिल होती है ना, इस तरह की शेप के मीनार हैं, और उनकी कितनी बालकनीज हैं, इस महज थ्री बालकनीज, तीन बालकनीज हैं इनकी। वाइल द अदर टू एट द एंड ऑफ द फोर्थ यार्ड, जबकि दो जो रह गए हैं, मजीद दो और हैं, वो सेन के एंड में मौजूद हैं। हैज़ ओनली टू बालकनीज, इनकी सिर्फ दो बालकनीज हैं। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क, रात के वक्त, ये शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह और तुर्क वहाँ मैदान में जमा होते हैं, मस्जिद के मैदान में जमा होते हैं। टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज, नमाज कौन सी नमाज की, शाम की नमाज की आवाज़ सुनने के लिए बहुत से तुर्क और सयाह शाम के वक्त मैदान में जमा होते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद जो है वो बह जाती है, भर जाती है रोशनियों से। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ बिलीवर, और इसी तरह से यकीन करने वालों के दिल भी विद द डिवाइन लव, इल्हामी मोहब्बत से, ठीक है। मस्जिद जो है वो रोशनियों से और यकीन करने वालों के दिल इल्हामी मोहब्बत से भर जाते हैं। अब क्या है यहाँ पे, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की बात की जा रही है, और बिलीवर्स कौन है, मुसलमान, जो कि अल्लाह ताला की पावर पे यकीन रखते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट, बेशक बहुत कुछ ज़ाया हो चुका है, ऑफ़ द ब्लू मस्जिद, इस मस्जिद का, नीली मस्जिद का, ओवर द ईयर्स, कई सालों में, येट इट हैज़ नॉट lost the love of its visitor, लेकिन अभी तक इसके देखने वाले विज़िट करने वालों का प्यार जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। द मस्जिद स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये मस्जिद अभी भी बहुत ज़्यादा क्या करें, विजिटेड में से सबसे ज़्यादा सैर किए जाने वाले तारीखी मकामात में से, दुनिया के तारीखी मकामात में से एक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, आई होप यू हैव गॉटन द ट्रांसलेशन। हम इसका थीम भी पढ़ लेते हैं। द थीम ऑफ दिस यूनिट इज़ टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम हैज़ स्प्लेंडेड हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन विच दे एक्सेल्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री, द मस्जिद हैज़ ऑलवेज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, द एसे नॉट ओनली हाईलाइट्स द ग्लोरी ऑफ अ सुल्तान मस्जिद बट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम, ठीक है। जिस चैप्टर का थीम हमने रीड कर दिया है कि ये मुसलमानों का फ़न तामीर की एक मिसाल है, उनका जो फ़न तामीर जो है उनका जीन का एक शाहकार है ये मस्जिद, और इसके अलावा ये ऐसे जो है वो हाईलाइट कर रहा है मुसलमानों की तारीख को इस मस्जिद के हवाले से, जो भी अहम बातें हैं उन सारी चीज़ों को। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव लर्न द होल ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।